74वीं गणतंत्र दिवस के अवसर पर सीएम गहलोत ने विभिन्न कार्यक्रम में शिरकत की, जहां गहलोत ने सुबह 7:30 बजे सिविल लाइन स्थित अपने मुख्यमंत्री निवास पर झंडारोहण किया। इसके बाद सुबह 9:15 बजे अमर जवान ज्योति स्थल पर पुष्प चक्र अर्पित कर अमर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इसके अलावा गोविंद सिंह डोटासरा, गुलाब चंद कटारिया और प्रदेश के तमाम मंत्रियों ने झंडारोहण कर गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। राजधानी जयपुर में 74वें गणतंत्र दिवस के मौके पर सवाई मानसिंह स्टेडियम में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए सीएम गहलोत ने विपक्ष यानी कि बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। सीएम गहलोत ने कहा कि पिछले 4 साल में विपक्ष राज्य में पूरी तरह फेल हो चुका है और उन्हें दिल्ली से बार बार डांट पड़ती है कि तुम क्या कर रहे हो और 4 साल तुम लोगों ने निकम्मापन क्यों दिखाया। इस दौरान गहलोत ने एक बार फिर से दावा किया कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी फिर से सत्ता में वापसी करने वाली है। राजस्थान की धार्मिक नगरी अजमेर में स्थित विश्व प्रसिद्ध गरीब नवाज हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह पर 111वां उर्स शुरू हो गया है, जहां देश भर से हजारों जायरीनों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। वहीं हर साल पीएम मोदी की तरफ से अजमेर दरगाह शरीफ के लिए चादर भिजवाई जाती है। इसी सिलसिले में इस बार भी इस मौके पर दरगाह पर पीएम मोदी की तरफ से भेजी गई चादर पेश की गई। चादर लेकर आए बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी पहुंचे और चादर के साथ साथ अकीदत के फूल भी पेश किए। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर भारत सरकार ने पद्म पुरस्कारों का ऐलान कर दिया है। सरकार की तरफ से विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाली महान हस्तियों को 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 91 पद्मश्री पुरस्कारों से नवाजा गया। वहीं इस साल राजस्थान की 4 हस्तियों को पद्मश्री अवार्ड देने की घोषणा की गई है, जहां 4 सम्मान समाज सेवा और गायकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम करने वालों को दिए जाएंगे। पद्मश्री मिलने वालों में गायकी के क्षेत्र में जयपुर मूल के गायक कलाकार अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन को नवाजा गया। वहीं समाज सेवी क्षेत्र में लक्ष्मण सिंह और डूंगरपुर के सामाजिक कार्यकर्ता मूलचंद लोढ़ा को पद्मश्री देने की घोषणा की गई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संचालक डॉ. मोहन भागवत गणतंत्र दिवस समारोह के लिए राजधानी जयपुर पहुंचे। वो जामडोली के केशव विद्यापीठ के स्टेडियम में हुए कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर तिरंगा फहराने पहुंचे। इस दौरान अपने संबोधन में भागवत ने कहा कि भारत में ज्ञान की परंपरा है, जो सच्चे मन से आगे बढ़ते हैं वही सबको अपना मानते हैं और मन किसी से शत्रुता नहीं पालता। 26 जनवरी पर कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के अगले चरण में अब पार्टी हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत कर चुकी है। खबरों के मुताबिक जयपुर के जम्वा रामगढ़ के पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने इस अभियान की शुरुआत की। कार्यक्रम में पीसीसी चीफ ने ब्लॉक अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष को इस अभियान को सफल बनाने का संदेश दिया। वहीं ये अभियान 2 महीने तक चलाया जाएगा, जिसके जरिए पार्टी 6 लाख गाँव तक पहुँचेगी। भीलवाड़ा जिले के पुलिस कंट्रोल रूम से कुछ ही दूरी पर स्थित दुकान में 26 जनवरी की सुबह शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग की इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं स्थानीय लोगों ने दुकान से धुआं निकलता देखकर पुलिस और दमकल को इसकी सूचना दी। हालांकि सूचना मिलने पर नगर परिषद फायर स्टेशन में एक के बाद एक 3 दमकल मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। हालांकि अभी तक आग से हुए नुकसान का आकलन नहीं हो पाया। राजस्थान में कांग्रेस खेमे के बीच पायलट और गहलोत की खींचतान पिछले 4 सालों से लगातार चर्चा में है और बीजेपी गुट में अंदरखाने सीएम फेस को लेकर माथापच्ची बरकरार है, जहां आलाकमान की ओर से अभी तक सीएम फेस को लेकर कुछ साफ नहीं किया गया। इसी कड़ी में राजस्थान जयपुर में एक ताजा घटनाक्रम हुआ, जिसका सियासी गलियारों में काफी चर्चा है, जहां बीजेपी प्रदेश पार्टी मुख्यालय में लगे नए होर्डिंग्स पर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया समेत केंद्रीय नेताओं की तस्वीरों के साथ राजस्थान के पूर्व मंत्री वसुंधरा राजे की वापसी हुई है। पोस्टरों में वसुंधरा राजे की वापसी की अटकलें ये लगाई जा रही हैं कि बीजेपी की सीएम फेस वही होंगी। नागौर जिले के डोगाना में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। खबरों के मुताबिक एक व्यक्ति ने 7 से 8 महीने के बच्चे को मारकर डोगाना गांव में फेंक दिया। वहीं जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची डोगाना पुलिस ने मौके का निरीक्षण कर आरोपी को हिरासत में ले लिया और पुलिस द्वारा मामले की जाँच के साथ साथ आरोपी से पूछताछ की जा रही है।